माथे पर चंदन लगाए खुद को सो कॉल्ड ऊंची जाति का बताने का दम्भ भर रहे ये जनाब उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से हैं, लेकिन हरकतें कतई दोयम दर्जे की। ये भारतीय लड़कियों से दोस्ती करके उब चुके हैं और इनका सपना है कि किसी रशियन लड़की को अपना दोस्त बनाएं। तो हुआ क्या कि 15 अक्टूबर की शाम दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में एक रशियन यूट्यूबर जो है वो ब्लॉग शूट कर रही थी। इस दौरान ये लड़का ब्लॉगर के आगे पीछे घूमने लगा। इस बीच लड़की जो है ब्लॉगर लड़की उसने इस लड़के से भी बातचीत की और इसके बारे में कुछ जानकारी ली। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लड़का दोबारा ब्लॉगर के पास आता है और लड़की से पूछता है, क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? जवाब में लड़की कहती है कि वो उसे नहीं जानती। इस पर ये शख्स कहता है कि जान पहचान दोस्ती से हो जाएगी। शख्स पीछा करते हुए फिर से दोस्ती करने की बात करता है। इस बार लड़की कहती है कि उनके पहले से ही कई दोस्त हैं। इस पर ये शख्स कहता है कि एक और दोस्त बना लो, क्योंकि उसका सपना है कि वो किसी रशियन लड़की को दोस्त बनाए। इसके बाद वो लड़का जो है लड़की पर अभद्र टिप्पणी करता है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस युवक से बात करते हुए ब्लॉगर लड़की जो है वो असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वो पीछा करता रहता है लड़का उसका। बाद में ब्लॉगर लड़की बाय बाय कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। इस वीडियो को अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को यूट्यूबर अपने यूट्यूब हैंडल और इंस्टा हैंडल पर अपलोड करती है। ब्लॉगर का नाम कोको है और वो रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में रहती है। वीडियो अपलोड होने के बाद सोशल मीडिया पर रशियन यूट्यूबर के साथ इस अपमानजनक व्यवहार की कड़ी निंदा की जा रही है। जबकि वीडियो जो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक आरोपी युवक के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई जानकारी या खबर सामने नहीं आई है। लेकिन कोको के इस वीडियो पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, एक भारतीय होने के नाते मैं उस शख्स के व्यवहार के प्रति आपसे माफी मांगता हूँ। वहीं एक दूसरे व्यक्ति लिखते हैं कि एक भारतीय होने के नाते मुझे उस बेशर्म और डेस्परेट आदमी के लिए बेहद खेद है। मुझे खेद है कि ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। साथ ही मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ और जिस तरह से आपने उस व्यक्ति को नजरअंदाज किया। कोको पेशे से एक यूट्यूबर, डांसर और फिटनेस मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर हैं। वो कोको इन इंडिया नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। उनके चैनल पे भारत के कई सारे ब्लॉग हैं और वो भारत के अलग अलग शहरों में घूमने, खाने पीने और लोगों से बातचीत करने के वीडियो अपलोड करती हैं। उनके यूट्यूब पर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी विदेशी महिला यूट्यूबर के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया हो। इसी साल अप्रैल में राजस्थान में एक दक्षिण कोरियाई महिला यूट्यूबर के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। यूट्यूबर की लाइव स्ट्रीम के दौरान उसके साथ एक शख्स ने आपत्तिजनक हरकत की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उसमें जैसे ही महिला उस शख्स के पास से गुजरती है तो वो अपना प्राइवेट पार्ट्स उसे दिखाने लगता है। जोधपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर महीने में मुंबई के सड़कों पर एक दक्षिण कोरिया के महिला यूट्यूबर के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। मामला उस वक्त सामने आया जब ट्विटर पर इस घटना का एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में एक शख्स महिला यूट्यूबर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा नजर आता है। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वो शख्स महिला को चूमने की कोशिश भी करता है। तो अब आप बताइए कि जो विदेशी यूट्यूबर्स आते हैं भारत में, विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ली लड्डू। शुक्रिया।